हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि अच्छा ही होंगे, अच्छा रहना चाहिए। दोस्तों देखिए, इधर मैं किधर आई हूँ, जंगल तरफ। इधर ये सब को तोड़ने के लिए आए हैं दोस्तों। पिछला बार इसका कुद्रुम का चटनी बनाए थे, दिखाते हैं आप लोग को बैक कैमरा करके। देखिए दोस्तों, कुद्रुम लाल ठेपा बोलते हैं, कैसे लाल हुआ है। मेरी भाभी और मेरी सिस्टर दोनों तोड़ रही है, कल ले जाएंगे मॉर्निंग में बोल के तोड़ के थोड़ा सा ले जा रहे हैं। अचार डालेंगे और इसका सब्जी भी बनाया जाता है, झोर भी बनाया जाता है माड़ के साथ। कितना अच्छा हुआ है लाल, देखिए। इधर भाभी लोग आम का पेड़ सब लगाए हैं। इधर देखिए कितना पेड़ लगाए हैं भाभी, इतना में 30 को लगाए हैं पेड़। वही सब को भाभी चलो देख के आते हैं बोल के लाई है इधर। उधर टांगरा है देखिए, देखिए ऐसे। कितना अच्छा लगता है, जैम बनाएंगे गांव जाने से। अपना लगाया हुआ है इसे वाला, लेके आएंगे और जैम बनाएंगे इस बार भी बच्चा लोग का टिफिन में देने के लिए, अच्छा होता है। दोस्तों देखिए क्या है, इसको बोलते हैं कुद्रुम, आंबड़ा भाजी बोलते हैं, कोई कोई क्या बोलते हैं, अपने अपने तरफ क्या बोलते हैं आप लोग बताइएगा कमेंट करके। देखिए इतना सारा गांव से ले आई हूँ मैं, इसका मैं अचार बनाऊंगी बोल रही हूँ। पिछला साल भी बनाई थी अचार, इस साल भी अभी तक बनाई नहीं हूँ। पिछला बार तो पहले ही बना चुकी थी, इस बार तो लेट हो रहा है क्योंकि गांव जाने नहीं सक रहे हैं, इसलिए ले नहीं आ रहे थे। तो अभी फुर्सत होना चाहिए इतना को तोड़ने के लिए, गांव में एक दिन पूरा दिन भर इसको तोड़ने में लग जाएगा, तो टाइम ही नहीं था इसलिए लाई नहीं थी। तो उस दिन गई थी तो एक दिन थी गांव में, इसलिए ये सब तोड़ ताड़ के ले आई। तो दोस्तों इसमें देखिए क्या क्या मिलाऊंगी, ये है लाल मिर्च, ये है अचार मसाला, और ये फ्लेवर के लिए इतना सारा हरी मिर्च दे दूंगी, सालों भर रहेगा ये हरी मिर्च। तो दोस्तों आज मैं इसका आप लोग के लिए अचार बनाऊंगी। दोस्तों आप लोग देखते रहिए इतना सारा है, कितना बन रहा है। ज़रा सा अचार मसाला कम पड़ रहा है, अब थोड़ा लाऊंगी, उसके बाद आधा को बनाऊंगी, आधा को बाद में बनाऊंगी, तो और थोड़ा ले के आऊँगी आज। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिए, कैसे कुद्रुम का अचार बनता है। पिछला बार तो मैं जैम भी बनाई थी, जैम के लिए और एक दिन जाऊंगी, इसको खाली अचार रख दूंगी। मेरा बच्चा सब इसका अचार बहुत पसंद करता है, इसलिए इसका खाली अचार बनाऊंगी। दोस्तों अब मैं जा रही हूँ इसको धोने, तो चलिए दोस्तों धोने। देखिए इसको डाल देती हूँ, धो के निकाल लूँगी अच्छे से। देखिए मिर्ची को धो लूँगी अच्छे से, इसको रख देती हूँ वही जगह। देखिए अब इसको अच्छे से धो लेना होगा इसे। इसको पानी को निगोड़ लेती हूँ। इसको पानी को निगोड़ ले रहे हैं एक बार।
और एक बार धो लेंगे। देखिए दूसरा टाप छेदा छेदा है, इसमें इसे करके डाल दूंगी, सारा पानी निकल जाएगा। बहुत अच्छा से धोआ गया। देखिए दोस्तों, इसे कढ़ाई में इसको चढ़ाया जाता है, चढ़ा दिए हैं इसको। इसको थोड़ा सा रोस्ट करना है, इसके ऊपर और थोड़ा सा दे देती हूँ, ऐसे ही रोस्ट हो जाएगा थोड़ा थोड़ा करके, इधर उधर कर करके थोड़ा सा खाली रोस्ट करना है। इसका पानी आंच को खाली थोड़ा सा भगाना है, उसके बाद इसको और आगे का प्रोसेस किया जाता है। आप लोग वीडियो पर बने रहिए। देखिए इसको ढक्कन लगा देते हैं, उसके बाद चलाते रहना है और थोड़ा देर के बाद। देखिए कैसे भाप चढ़ रही है, अब इसको इसे इसे करते रहना है, थोड़ा थोड़ा चलाना है। देखिए दोस्तों, कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अभी डाल देती हूँ यहाँ अचार मसाला। इसको अच्छा से भून लेना है, उसके बाद ज़्यादा लाल भी होने देना नहीं है, नहीं तो जला हुआ लगता है, इसलिए ठीक भर का भुनाने देना है। आगे अच्छा से दोस्तों इसको निकाल लेती हूँ। इसमें आप डाल दूंगे मिर्ची, इसको अच्छा से भुना देना है, उसके बाद दोनों को मिला के पीसना है। भुना गया दोस्तों, अब इसको उतार देती हूँ। अब गैस ऑफ कर दी, अब क्या करूँगी देखिए। इसको सिलबट्टा में पीस लेती हूँ, सिलबट्टा में पीसने का एक कारण है, इसका टेस्ट कुछ अलग आता है और मिक्सर का कुछ अलग। देखिए बहुत अच्छा से पिसा रहा है, सोन हो गया है। देखिए पिसा गया बहुत अच्छा से, अब इसको रख लेते हैं। इसमें और मिर्ची पीसना है, मिर्ची को भी पीस लेती हूँ ज़रा। बहुत अच्छा से भुना गया है मिर्ची भी दोस्तों। इतना सा गरम मसाला डाल दे रही हूँ फ्लेवर के लिए, और ये है इलायची इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए। अभी सबको मैं दे देती हूँ। अब दे दूंगी, देखिए इतना सा हरी मिर्च, इसको मैं बीच में काट कर दी हूँ, ये फ्लेवर के लिए है। ये भी फ्लेवर के लिए है, ये है कड़ी पत्ती, देखिए इसको भी डाल दूंगी। देखिए ये पत्ता को भी डाल देती हूँ, फ्लेवर के लिए ही है। और एक बार थोड़ा देर पक जाएगा ये मिर्चा, उसके बाद उसमें मसाला डाल देना है। मसाला को भी डाल भी देती हूँ, तो फ्लेवर हो जाएगा। इधर देखिए दोस्तों, ये है मसाला,
से पीसे थे उसी को अभी अच्छा से इसको चलाना है ध्यान लगा के। छोटा कढ़ाई हो गया और ज़्यादा तेल हो गया इसलिए बहुत जोर से खोलने लगा। अभी दे देना है हल्दी, दस रुपये का हल्दी है दे देती हूँ। कलर आने के लिए अब इसमें जरा सा क्या पूरा ही लगाना है, मेन चीज डाला हुआ नहीं है। अब डालती हूँ मैं नमक, देखिए नमक डाल दी, मसाला अच्छा से रेडी हो रहा है। अब इसमें डाल दूंगी टेस्ट आने के लिए ज़रा सा पैरोट मसाला, पैरोट मसाला ज़रा सा डाल दूंगी तो अब टेस्ट आएगा अचार में। देखिए इस बार का पिछला बार बनाई थी उससे मसाला अच्छा तैयारी हुआ है। अब थोड़ा देर खोलने देंगे उसके बाद इसको डाल देंगे उसके ऊपर जो रोस्ट करके रखे हैं। आप लोग वीडियो पर बने रहिए कैसे करेंगे, और खोल जाएगा अभी। देखिए दोस्तों इसको रोस्ट कर ली थी, इतना सारा हो गया देखिए। और ये है अभी तेल, गरम तेल में मसाला ये मिर्ची वगैरह सब दे दी हूँ, इसी को अभी इसमें डाल दूंगी मैं। ये गरम है इसलिए इसके ऊपर एक कपड़ा से पकड़ना होगा, इतना गरम नहीं है, हाथ से ही पकड़ लेती हूँ। देखिए तरीके से इसको मिलाना होगा, बाद में इसको और एक बार करूँगी मैं। देखिए इसको इसे मिला देना होगा अच्छा से, अगर तेल का कमी होगा तो बाद में भी और लगाया जाएगा। मेरे हिसाब से लग रहा है कमी नहीं होगा। देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इतना अच्छा बना हुआ है। दोस्तों अच्छी तरीके से इसको मिला लिए, बहुत ही अच्छा टेस्टी बना है इस बार का भी। पिछला बार से कुछ अलग ही, थोड़ा गीला टाइप का हो गया बहुत था तो जान के हम इसे बनाए हैं। पिछला बार का खड़ा खड़ा था, इस बार का ऐसे थोड़ा लसगर टाइप का बना दिए, बहुत ही अच्छा दिख रहा है दोस्तों। खा देंगे जैसे लग रहा है अभी तो पका नहीं है। तो दोस्तों मैं इसमें क्या क्या मिलाई सब आप लोग देखिए और उसी तरह का बनाइए, ये अचार बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों। इस बार तो मेरा ज़्यादा ही हो गया, दो डब्बा जैसे हो जाएगा इतना में। तो दोस्तों अब इसको मैं डाल लेती हूँ। मेरा बनाने का प्रोसेस सब आप लोग को कैसा लगा कमेंट कर। दोस्तों डाल ली मैं, दो में फूल हुआ तो और एक किसान जेम वाला ये मैं रख ली, दो डब्बा बन गया। आज का काम पूरा कर ली मैं, सोच रही थी कब बनाऊंगी लेकिन बहुत लेट हो गया बनाने में, बहुत पहले ही बनाना था लेकिन बच्चा लोग का एग्जाम वगैरह था तो मैं गांव जाने नहीं सक रही थी इसलिए ला नहीं पाई थी। तो दोस्तों क्या ये लाल कुद्रुम क्या होता है तोड़ने से लेके आखिरी बनाने तक मैं वीडियो में पूरा सब दिखाई हूँ दोस्तों। आप लोग अच्छा से बना लीजिएगा, आप लोग को भी अगर बनाने का मन होगा तो दोस्तों बहुत दिन के बाद मैं आज ये वीडियो बनाई हूँ। आप लोग प्लीज़ एक लाइक
एक कमेंट और एक आप लोग के प्यारे प्यारे हाथों से सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। इस छोटी सी वीडियो में इतना ही दोस्तों आज के लिए। बाय, जोहार, जय झारखंड।